मकसद यह चीज है, यहां जो आजाद दो तीन साल से जो सरपंच यहां पे जैर इकदार है, बदकिस्मती से हमने यह चीज सोचा था कि हम कोऑपरेट करें और सरपंच जो है पूरे पंचायत के लोगों का सरपंच है, वो सिर्फ एक पार्टी का सरपंच नहीं होता है। लेकिन हम देखते रहे, हमने सोचा कि इंसाफ सब लोगों को मिलेगा, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं बहुत अरसा तकरीबन एक साल से हम देख रहे हैं कि एक साल से जो है जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उन्हें एमजी नरेगा की मजदूरी की है, उनको पेमेंट अभी तक नहीं हुई। इसके अलावा स्किल्ड का जो पैसा है वो अपने चहेते लोगों को मिलता है, इसके अलावा जो है एसबीएम जो है एसबीएम बाथरूम लोगों ने बनाए हुए हैं, लगभग एक एक साल हो गया, लोगों की पेमेंटें नहीं हो रही है। जो पहले पैसा आया वो सरपंच के चहेते लोगों को मिला, और जहाँ का एनवाईसी या यहाँ का सेक्रेटरी पंचायत जो है वो यहाँ के जो अपने उनके चहते लोग हैं उनको पैसा मिलता है। बदकिस्मती ये का आलम यह चीज है, ये सारे गरीब लोग हैं, इन गरीब लोगों के ने बाथरूम बनाए हैं एसडीएम के स्कीम के तहत, लेकिन अभी तक इनको पैसा नहीं मिला। जो मुलाजिम तबका है उनके उनने अपने औरतों के नाम जॉब कार्ड बनाए हैं, आप देख सकते हैं उनको जो आज पेमेंट हो चुकी है। और जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बाथरूम बनाए ही नहीं है उनको पेमेंट हुई है, ये बहुत बदकिस्मती का आलम है। हम आपकी सोशल मीडिया के वसादत से जनाब डीसी साहब किश्तवाड़, जनाब एसडी साहब किश्तवाड़ और वीडियो बंजवा को मुतला करना चाहते हैं। अगर ये जुल्म जबर खत्म नहीं हुआ, इस बातों की इंक्वायरी नहीं हुई, तो वो वक्त दूर नहीं होगा यहाँ पे लोग जो सड़क में उतर जाएंगे। मैं आपकी वसादत से यहाँ के वीडियो साहब को चेतावनी देना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ, अगर आपने दो दिन के अंदर एसबीएम की पेमेंट इन तमाम लोगों की नहीं की, जो गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं जिन्हें बाथरूम बनाए हैं उनकी पेमेंट अगर आपने नहीं की, दो दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं की, तो तीसरे दिन जो है यहाँ पूरी पंचायत के लोग जो है रोड पे आ जाएंगे और उसकी तमाम जिम्मेदारी जो है यहाँ वीडियो बंजवा की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, यहाँ के सरपंच की होगी। ये जुल्म हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होने देंगे। लिहाजा मैं आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन को कह देना चाहता हूँ, बल्कि मैं सीआईबी को के जरिए से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक गुजारिश करना चाहूंगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस मसले में जाति मुदाखलत करें। ये जो एमजी नरेगा के अंदर धांधली हो रही है, हमने सुना था एक आर्डर निकला था एसीडी ऑफिस किश्तवाड़ से, उन्होंने ये बताया था कि बाकायदा राइटिंग आया था कि जो वेंडर्स पे जो शोर हंगामा हो रहा है, क्योंकि 2018 के बाद कोई सीमेंट यहाँ पे नहीं आया, कोई रेत यहाँ पे नहीं आई, कोई बजरी नहीं आई, लोग खुद पत्थर निकालते हैं, वेंडर्स जो है
वेंडर्स जो हैं वो सरपंच के चहेते लोग होते हैं जो यहां पे सेक्रेटरी और यहां का एनवाईसी जो है कि उनके तालमेल से जो उनके अपने लोग होते हैं उनको पैसा डाला जाता है लेकिन जो जॉब कार्ड होल्डर्स काम करते हैं जो खुद मटेरियल जमा करते हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। जब ये कंप्लेंट पूरे बॉन्ड की तरफ से गई तो यहां पे एसडी साहब ने कमेटी बनाई जो बड़ा वीडियो ड्राफ चला और उसके साथ वहां का एक जेई जिसका नाम मेरे ख्याल में माजी जेई है कि बाहर हाजी ये जाकर जो है इलाके में लोगों को पूछ कर मेंटेस रखेंगे लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई बात नहीं आया न किसी ने इस बात को इंक्वायरी की। हम सोशल मीडिया के वसादत से कहना चाहते हैं कि ये जो जॉब कार्ड होल्डर्स काम कर रहे हैं ये जो खुद पत्थर निकाल रहे हैं जो मटेरियल का पैसा है वो उन जॉब कार्ड होल्डर्स को मिलना चाहिए और इसके अलावा एमजी नरेगा जो है अभी तक किसी को 1400 रुपया मिला है किसी को 1000 रुपया मिला है किसी को 2800 मिला है जहाँ लोगों ने काम किए हुए हैं उनको पैसा नहीं मिला जिन लोगों ने काम नहीं किया उनको पैसा मिलता है लेकिन जो लोग काम करते हैं तो पैसा नहीं मिलता है। इसके अलावा ये तो अभी बड़ा की बात लेकिन मैं आपकी वजह से ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ बिजली का निजाम जो है इतना खस्ता है बिजली आज 3 दिन से यहाँ पे नहीं है 3 दिन से लगातार बिजली यहाँ पर बंद है। आज सुबह आधा घंटे के लिए बिजली आई सुबह 6 बजे और आधे घंटे के बाद फिर दोबारा कोई 15 आधे घंटे के बाद आई और फिर 8 बजे बिजली चली गई है। यहाँ पे कोई मुलाजम ड्यूटी नहीं करते हैं यहाँ परेशान हाल लोग हैं लोगों की पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई बुरा असर पड़ रहा है। मैं आपकी वसात से आरडी डिपार्टमेंट को भी और पीट डिपार्टमेंट को मुतला करना चाहता हूँ आप लोगों की खिदमत कीजिए आपको गवर्नमेंट तनख्वाह इसलिए देती है कि आप लोगों को सहूलियात मैसर करें लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर लोग आज प्रोटेस्ट में आ चुके हैं। मैं आपकी वसत कहना चाहता हूँ अगर जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर एसबीएम की पेमेंट लोगों को नहीं मिली तो 3 दिन हम रोड पे आएंगे उस तमाम दर्ज में दर्ज वीडियो पहुंचने की होगी और हम वीडियो को नहीं छोड़ेंगे। वीडियो बंद में एलआईसी फारूक जिंदाबाद की पंचायत जिंदाबाद 14 हजार हाल 19 में मिला है हमें और हमारा जो मिटी रहे उन्होंने खाया है वो भी हमने इनका पर हमने आरटीआई इनको की थी इन्होंने भी उसमें कोई हमें जवाब नहीं दिया है। इसे इस साल जो 20 का काम हमने किया हमने खुद पत्थर निकाले खुद मिस्त्री लगाए अपने काम किया है लेकिन इन्होंने सिर्फ हमें 1400 रुपया इनवाइट डाली है बाकी सब पैसा उन्हें खुद खाना है हमें अभी कुछ नहीं मिला है। इनके साथ में जो इनके अपने चाहने वाले लोग हैं उनको ये पेमेंट डाल रहे हैं तो दुनिया बाकी क्या बेवकूफ लोग बना के रखे पनाजी को जिसका कोई बाथरूम नामो निशान नहीं है उन लोगों को पेमेंट की जा रही है। ये हमारे साथ नाइंसाफी है पीडीओ भोजवा की नाइंसाफी सेक्रेटरी पंचायत की नाइंसाफी और जीआरएस जो है यहाँ के फारूक साहब उसकी नाइंसाफी है हमारे साथ। लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये मुतला करना चाहते हैं कि एक झलकी हमने दिखाई है हम कल को सड़कों के ऊपर आएंगे और रोड को ब्लॉक करेंगे और तहसीलदार साहब के दफ्तर पे धरना देंगे बीडीओ साहब के दफ्तर के सामने जो है धरना देंगे और फिर जब आवाम रोड के ऊपर आएगी तो फिर हमें इंसाफ दिलाना पड़ेगा लेकिन उससे पहले समझ जाना चाहिए इन लोगों को कि हमारे साथ जो है इंसाफ का मामला होना चाहिए हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है इस नाइंसाफी को खत्म कर देना चाहिए। कोई पेमेंट नहीं कोई कुछ नहीं हमारे को लोगों ने जो काम किए हैं आज तक गौ शेड बनाए हैं बाथरूम है बाकी जो नरेगा के काम है 100% काम हुए हैं लेकिन इस वक्त तक कोई पेमेंट किसी को कुछ नहीं है। लिहाजा ये अंधेर नगरी जो चल रही है हम सड़कों पे आएंगे और जब सड़कों पे निकलेंगे तो सारा अंधेर गर्दी जो है दूर हो जाएगी लिहाजा मेहरबानी करके लोगों की इन गरीबों की जो पेमेंट है वो की जाए।